हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कर्सर्स को रीड आउट करना स्टार्ट किया है, तो हमने कर्सर्स को समझा था, साथ में समझे थे कर्सर्स के टाइप। इम्प्लिसिट कर्सर की बात हम पहले ही कर चुके हैं, आज बात करेंगे हम एक्सप्लिसिट कर्सर की। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्सर्स क्या होते हैं, फिर समझते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर्स क्या होते हैं, फिर उसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कर्सर्स, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि कर्सर कुछ नहीं होता है बट एक पॉइंटर होता है जो मेरी पॉइंट आउट करता है उस लोकेशन को जहां पर मेरी कोई डीएमएल या मेरी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो मेरे कर्सर के जस्ट नीचे लगी हुई है वो एग्जीक्यूट हो रही है। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जिस कॉन्टेक्स्ट एरिया के अंदर स्टोर्ड होती है उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को मेरा जो कर्सर होता है वो जस्ट मेरा पॉइंट आउट करता है, पॉइंट करता है, तो इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर कितने तरीके के होते हैं आपको बेहतर पता है, कर्सर दो तरीके के होते हैं। इम्प्लिसिट, जो ओरेकल या पीएल सीक्वल के द्वारा ऑटोमेटिकली फायर होते हैं और उस पर यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर यूजर ये सोचे कि ओपन करके मैं उसके अंदर कुछ कर लूंगा और फिर बाद में क्लोज करूंगा, तो यूजर ऐसा नहीं कर सकता। ओरेकल अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से और बहुत फास्ट होता है, एक्चुअली हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, इतना फास्ट होता है कि हम चाहकर भी वो चीजें पता नहीं कर सकते जो हम अपने कर्सर एट्रीब्यूट के थ्रू पता कर सकते हैं। हम चाहकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके ही दूसरी तरफ एक्सप्लिसिट कर्सर पे पूरी तरह से यूजर का कंट्रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई यूजर ही उनको क्रिएट करता है, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट लगाता है, यूजर को कहाँ पे उसका फॉर लूप या ओपन करना है, यूजर को कहाँ पे डेटा फेच करना है, किस तरीके से यूज करना है, कब उसको क्लोज कराना है, कब एग्जिट कराना है, सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती हैं यूजर के द्वारा, क्योंकि यूजर ही उसका ओनर होता है। अब एक्सप्लिसिट कर्सर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों? एक्सप्लिसिट कर्सर्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? एक तरीका है मेरा ये, जिसके अंदर मैं अपने कर्सर को पहले डिक्लेयर करूं, फिर उसको ओपन करूं, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा फेच करूं और फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोज कर दूं। तो एक तरीका तो हो गया ये वाला। दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों? दूसरा तरीका है मेरा फॉर लूप वाला, मतलब कर्सर विद फॉर लूप। जिस तरीके से हमने फॉर लूप को अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लूप्स के अंदर कवर किया था, उसी के अंदर एक चीज और होती है कि कर्सर्स के साथ भी मैं फॉर लूप को यूज करता हूं और वहां पर थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है लेकिन ओवरऑल वर्किंग और एक्टिविटी सेम टू सेम रहती है कि कहीं ना कहीं डेटा फैच हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कर्सर डिक्लेयर हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कर्सर मेरा एग्जिट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कर्सर मेरा क्लोज हो रहा होता है। वर्किंग सेम होती है बट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, ओपन के तरीके से और कर्सर के तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिक्लेयर सेक्शन के अंदर एक्चुअली होता क्या है। डिक्लेयर सेक्शन के अंदर दोस्तों मैं डिक्लेयर करता हूं अपने कर्सर को, क्या कर्सर कीवर्ड के साथ, लैब के अंदर जरूर देखेंगे, कर्सर कीवर्ड के साथ मैं अपने कर्सर को डिक्लेयर करता हूं और एसोसिएट करता हूं उसके साथ अपनी वो क्वेरी जिस क्वेरी के बेसिस पे मैं कर्सर क्रिएट कर रहा हूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिगिन के अंदर मैं अपने कर्सर को ओपन करता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कब मुझे वो ओपन करना है। जैसे ही ओपन करता हूं मेरा पॉइंटर, जो कर्सर का पॉइंटर है, सीधे चला जाता है उस एसक्यूएल की फर्स्ट स्टेटमेंट पर जो क्वेरी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। फेच करता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल में और फिर उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूं और फाइनली लास्ट में जाके फेच और क्लोज के बीच में एग्जिट कराता हूं और फिर क्लोज कराता हूं अपने कर्सर को। तो एक्सप्लिसिट कर्सर बेसिकली यूज में ही तब आते हैं जब हमें मैन्युअली कुछ ऐसा करना हो जहां पर रो बाय रो मुझे कुछ प्रोसेस करना हो, किसी क्वेरी पर एक्शन किसी बेस्ड कंडीशन के ऊपर लेने हो, किसी कंट्रोल कंडीशंस के ऊपर लेने हो रो बाय रो, तो ऐसी चीजों के लिए मेरे एक्सप्लिसिट कर्सर जो है दोस्तों रोल में आते हैं। एक बार लैब में चलते हैं, लैब में चल के इजीली ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, कैसे उसके दोनों तरीके जो मैंने बताए, दोनों तरीके ओपन क्लोज वाला और फॉर लूप वाला, क्या उनके सिंटैक्स होते हैं, सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं अपने लैब के अंदर। तो एक बार लैब में चलते हैं।
सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने पहले वाले टाइप के, जिसके अंदर हम अपने कर्सर को खुद से डिक्लेयर करेंगे ओपन और फेच और क्लोज वाले कीवर्ड के साथ उसको यूज़ करें। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुझे अपने कर्सर को कर्सर कीवर्ड के साथ एक नाम के साथ में यहाँ पे देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे C1 मैंने दिया है ये मेरे कर्सर का नेम है, कर्सर कीवर्ड के थ्रू मैंने अपने कर्सर का नेम दिया तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे एक तरीके से बन गया। साथ में कर्सर में ना ओपनली ऐसे तो बनता नहीं है, कर्सर के साथ में मुझे अटैच करनी पड़ती है अपनी वो पर्टिकुलर क्वेरी, जिस क्वेरी के बेसिस पे मुझे कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, मैं सिंपल इस वाली सेलेक्ट अपनी क्वेरी को चलाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिंपल मैंने यहाँ पे एक जो है कॉलम को यूज़ किया है, उस कॉलम का आउटपुट आपको नीचे दिख गया होगा। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको नीचे बिगिन और एंड के अंदर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला जो काम था, सबसे पहला काम था अपने कर्सर को डिक्लेयर करना। तो डिक्लेयर दोस्तों ये मैंने यहाँ पर उसको कर दिया। करने के बाद में मेरा बिगिन सेक्शन के अंदर आए, बिगिन सेक्शन के अंदर सबसे पहले ओपन कीवर्ड के साथ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने जो कर्सर है, जो मेरा C1 कर्सर है उसको यहाँ ओपन कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ओपन C1 यहाँ पर लिखता हूँ और मेरी स्टेटमेंट के रन होने का जो पॉइंटर है जब बिगिन के बाद इस वाली स्टेटमेंट पे आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही ओपन C1 होता है मेरा कर्सर का पॉइंटर मूव होके सीधे पहुंचता है दोस्तों इस वाली लाइन, इस वाली लाइन पे कहता है कि C1 कर्सर को ओपन कर दिया जाए। ओपन करने के लिए क्या होगा, ओपन करने के लिए जो भी रेस्पेक्टिव क्वेरी उस कर्सर के साथ अटैच हो उसको मैं यहाँ पर रन कर दूंगा। कर देने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे रन कर भी दिए, कर देने के बाद मेरा जो पॉइंटर होता है, जो ये ब्लैक कलर का एरो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरा पॉइंटर यहाँ पर आकर दोस्तों खड़ा हो जाएगा। अब वो वेट करेगा कि अब मुझे क्या करना है। तो जो C1 है, जो C1 जो कर्सर है दोस्तों, वो इसी वाली क्वेरी, जो क्वेरी चली है इस क्वेरी ने इस वाले डेटा को एक टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर जो स्टोर करके रखा है, इस जो जिसको हम कॉन्टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं, इस कंटेक्स्ट एरिया को दोस्तों पॉइंट करता है मेरा ये C1। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा पॉइंटर जो है वो फर्स्ट रो पे सचिन पे आके रुक गया है। अब बारी आती है मेरे अगले कीवर्ड की, फैच की। फैच क्या करता है दोस्तों, फैच क्या करता है, फैच मेरे कर्सर से एक एक करके डेटा फैच करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले सचिन को फैच करेगा, फिर रीना को फैच करेगा, फिर सोनू को करेगा, फिर छवि को करेगा, और ये कर्सर इस तरीके से मूव करता हुआ चला जाएगा जब तक कि मैं इसको किसी एंड कंडीशन के साथ यहाँ पर ख़त्म नहीं करता हूँ। तो अब यहाँ देखोगे कि मैंने जो अपना कोड लिखा है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अलग तरीके से लिखा है। फैच किया C1, तो फैच जैसे ही C1 किया मेरा पॉइंटर आ गया सबसे पहले कहाँ पर, सचिन पर, और DBMS आउटपुट के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वो नेम। कौन सा नेम, जो ये सचिन नेम मैं लेके आ रहा हूँ इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल के अंदर मैंने अपने कर्सर से आने वाली वैल्यू को स्टोर कराया वी नेम के वेरिएबल के अंदर। जो ये ई नेम आ रहा है ये मेरा यहाँ वी नेम में आ जाएगा, जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा वो। फिर फैच ये वाली स्टेटमेंट कम्प्लीट हो गई, मेरा सचिन प्रिंट हो गया। देन अगला फैच चलेगा तो ऑटोमेटिकली जो ये कर्सर है जो सचिन पे था ये मूव हो चुका होगा नेक्स्ट लाइन पर, तो ये रीना को प्रिंट करेगा। जब थर्ड वाला फैच चलेगा तो ये प्रिंट करेगा सोनू वाले रिकॉर्ड को। तो इस तरीके से अभी मेरे को आइडिया नहीं कि मेरी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, मैं चलाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर 10 नंबर ऑफ रोज़ अगर लिख देता हूँ तो मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो फेच हो जाते हैं। तो उसके बाद सिंपली मैं अपने कर्सर को क्लोज कीवर्ड के साथ क्लोज करता हूँ और अपने अनोनमस ब्लॉक को यहाँ पर बंद करता हूँ। तो एक बार मैं इस वाले कोड को आपको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं ओपन फेच के साथ मेरा ये कर्सर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये मैंने यहाँ पर चला दिया है, और चलाने के बाद अब देखते हैं कि मेरा आउटपुट कैसे आता है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे DBMS आउटपुट का जो ये ब्लॉक है, जो विंडो है, इसके अंदर सबसे पहले इसने इस वाली स्टेटमेंट को यूज़ करके सचिन को प्रिंट किया, फिर अगले को यूज़ करके फिर इसने रीना को प्रिंट किया, फिर सोनू को प्रिंट किया, फिर छवि को प्रिंट किया,
और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये C1 जो है, C1 के साथ परसेंट के साथ मैंने रो काउंट दिया है। दोस्तों रो काउंट मेरा एक एट्रीब्यूट है जिसकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो अभी इस पर फोकस नहीं करते। अभी फोकस करना है कि मेरा ओपन, फैच और क्लोज और डिक्लेरेशन यहाँ कैसे चलना है। तो सिंपली क्योंकि 10 लाइन लिखी, 10 लाइनों को मैंने सिंपली यहाँ प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर तो मुझे ये पता था कि मेरी टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ दोस्तों 10 रिकॉर्ड हैं जो मुझे यहाँ दिख रहे थे, बट ऐसा हमेशा तो होगा नहीं कि मेरी टेबल के जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे मुझे पता होंगे। वेयर कंडीशन पे वो वेरी भी कर सकते हैं, किसी और सिचुएशन में भी हमें नहीं पता होगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। तो ये जो लिखने का पैटर्न था, जो मैंने 10 नंबर ऑफ रोज लिखी थी, ये लिखने का पैटर्न दोस्तों मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ओपन के बाद में आपको कोई लूपिंग करनी चाहिए और आपको अपने कोड को जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करना चाहिए। एक चीज़ और देखते हैं, लूप की बात भी करेंगे। दोस्तों 10 नंबर ऑफ रोज थी, 10 बार मैंने लिख दिया तो इसने 10 बार सेम रिकॉर्ड को मेरे सही तरीके से प्रिंट कर दिया। अगर मैं सेम रिकॉर्ड को अपनी टेबल में, मेरी टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, हमें पता है कि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि ईजिली देख सकते हैं, बट अब की आउटपुट मैंने 10 से ज़्यादा यहाँ पर दे दिए हैं, मैंने दे दिया यहाँ पर 12 आउटपुट। तो देखते हैं कि कितने सारे अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी या क्या आउटपुट मेरा चेंज होता है। सेम कोड को दोबारा चलाता हूँ, अब की टेबल से ज़्यादा मैंने यहाँ पर फेच जो है दोस्तों वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किए हैं। ये कोड मैंने चलाया, सिंपली चलाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि अब मेरा कोड जो है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन नीचे आप देखेंगे, देखिए किस तरीके का चेंज आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर देखना चाहिए। मैं विंडो को थोड़ी बड़ी करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले कर्सर 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, 10 तक कोई प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक जो नंबर ऑफ फेच थे यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही मेरे 10 के बाद वाले के बाद गया तो देखिए यहाँ पर मेरा, क्योंकि पॉइंटर जो है कर्सर का वो लास्ट रिकॉर्ड पर ही रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे 10 ही हैं, तो जितनी बार भी आफ्टर जितने मेरे नंबर ऑफ काउंट है उसके बाद जितनी बार भी मैं अपना फेच चलाऊंगा वो सेम वैल्यू मुझे जो है वो प्रिंट यहाँ पर कर रहा है। तो ज़्यादा देने का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ ऐसा कोड हमें लिखना चाहिए जो मेरे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से चले, जब मेरे रिकॉर्ड खत्म हो तो सिंपली वहाँ से एग्जिट कर जाए। सो दोस्तों सेम कोड को इतनी बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, इसको रिप्लेस करते हैं हम किसके साथ, ओपन के साथ हम ऐड करेंगे अब अपना कोई लूप। तो देखिए दोस्तों सेम कोड जो ऊपर मैंने कितनी लंबी लाइनों का, कितनी सारी लाइनों का कोड लिखा था, आप अगर यहाँ से उसको काउंट भी करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 20-25 लाइनों का कोड यहाँ पर हो गया। अब नीचे सेम कोड को, वही कोड है सिंपल, देखिए वही टेबल में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सेम टू सेम कोड, 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, C1 ओपन के बाद जब मैंने कर्सर अपना ओपन किया है उसके बाद सिंपली मैंने यूज़ किया है दोस्तों लूप, और लूप को एंड भी किया है एंड लूप सिंटैक्स के साथ। तो इस लूप से और एंड लूप से क्या होगा, हम पहले भी अपने लूपिंग वाले जो वीडियोस थे उसमें देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये लूप यहाँ पर एक लूप स्टार्ट कर देगा और इसको ही बार बार एग्जीक्यूट करेगा। कब तक? तब तक जब तक कि मेरी ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। यहाँ पर ये परसेंटेज नॉट फाउंड है, ये मेरे एक कर्सर का एट्रीब्यूट है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, आगे वाली वीडियो में इसकी बात ज़रूर करेंगे, बट इतना यहाँ पर ज़रूर समझ लेते हैं, ये यहाँ पर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरे कर्सर के अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये उसके लिए मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर कर्सर में कोई वैल्यू नहीं होगी, मेरा पॉइंटर लास्ट पर आने के बाद जब दोबारा से वो ट्राई मारेगा कर्सर से डेटा लाने के लिए, तो वो 10 से एग्जिट कर जाएगा 11 रिकॉर्ड की तरफ और ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड या हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल कॉलम के साथ ही सेम अपने कोड को यूज़ किया है और यहाँ पर उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, लूप का सिंटेक्स यूज़ किया है, देखते हैं कि ये मेरा कोड जो है किस तरीके का आउटपुट मुझे लेकर आता है। ये पहले वाला मैं फ्लश कर देता हूँ, नया कोड दोस्तों मैंने रन कर दिया है, देखते हैं किस तरीके का आउटपुट मेरा यहाँ पर प्रिंट होकर आता है। ये देखिए दोस्तों ये प्रिंट होके आया सिंपली, लेकिन लास्ट रो को आप देखेंगे तो ये 2 बार प्रिंट हुई है। क्यों प्रिंट हुई है ये भी हमें यहाँ समझना चाहिए। दोस्तों देखिए मैंने जो अपनी कंडीशन लिखी है, जो एग्जिट करे वो लिखी है मैंने प्रिंट के बाद। आप सोच के देखिए कि जब आप 10th रिकॉर्ड को प्रिंट किया
टेंथ रिकॉर्ड पे ये कंडीशन मेरी रही फॉल्स, दोबारा से मेरा लूप ऊपर गया और टेंथ के बाद उसने इलेवंथ रिकॉर्ड की तरफ गया, लेकिन इलेवंथ कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ये वाली स्टेटमेंट बार बार मेरी एग्जीक्यूट होगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले कोड में भी दिखाया था कि जितने नंबर ऑफ काउंट के बाद अगर मैं सेम स्टेटमेंट को बार बार चलाऊं तो मेरा लास्ट रिकॉर्ड ही बार बार प्रिंट होता है। तो ये लास्ट रिकॉर्ड प्रिंट हुआ और जब यहाँ पर उसने चेक किया कि कर्सर ने क्या कोई वैल्यू रिटर्न की, तो उसने क्या कोई वैल्यू उसने रिटर्न नहीं की, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई और ये यहाँ पर एग्जिट कर गया। अपने कोड को ठीक करने के लिए, सही तरीके से वर्किंग करने के लिए, मैं इस कमांड को यहाँ से उठाता हूँ और उठाने के बाद मैं वहाँ लगा देता हूँ जहाँ पर मेरे एक्चुअली फेच वाली चीज़ें बार बार कर्सर ट्राई कर रहा है। तो मैंने इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में अपनी एग्जिट वाली कंडीशन डाल दी है। अब एक बार इसको चला के देखते हैं, देखते हैं किस तरीके का चेंज मेरे आउटपुट में आ जाता है। दोस्तों सिंपली मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे चला दी है, अब मेरा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितने हैं उतनी बार ही मेरा कर्सर को प्रिंट करना चाहिए, जो कि इसने यहाँ किया। क्यों? क्योंकि इस बार जब इसने यहाँ पर जाकर वैल्यू फेच की, जैसे ही इसने 11th रिकॉर्ड को फेच करने की कोशिश की, उसकी ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई और ट्रू होते वो यहाँ से सीधे एग्जिट करके लूप के यहाँ पर आ गया, जहाँ पर मेरा कर्सर जो है अब ये ब्लिंक कर रहा है। तो उसने फाइनली जो ये वाली स्टेटमेंट थी ये रन नहीं की। तो दोस्तों ये तो काम हुआ जब मैं सिंगल रिकॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहा था। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी टेबल के ऊपर काम करना पड़े या पूरी टेबल के सारे कॉलम लेने पड़े, या मे भी हो सकता है एक से ज़्यादा कॉलम आपको लेने पड़े। तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम की कहानी है दोस्तों, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ पर ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि दो ले रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब दो वेरिएबल अगर यहाँ ले रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है कि दूसरा वेरिएबल मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा जब मैं कर्सर से वैल्यू जो है अपनी फेच कर रहा हूँ। तो ये मेरी दो वेरिएबल के लिए होगी। प्रिंटिंग भी करते हैं तो दो वेरिएबल अगर यूज़ करने हैं या तीन करने हैं या चार करने हैं, तो दोस्तों इस तरीके से एक एक के सीक्वेंस में मुझे यहाँ पर वो देने चाहिए जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ पर वो वैल्यूज़ दे रहा हूँ। पहले नंबर पर एम्प्लॉय नेम था तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम का वेरिएबल, दूसरे नंबर पे सैलरी थी तो उसके लिए ये सैलरी वाला। एक बार इसको चला के देखते हैं दोस्तों किस तरीके का आउटपुट मेरा ये वाला कोड प्रिंट करता है। ये देखिए दोस्तों सिंपली इस कोड को रन करने से मेरा इस तरीके का आउटपुट जो है वो प्रिंट हो गया। जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे उनकी सैलरी दिखाई, जैसे ही 11th रिकॉर्ड पर गया ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हुई और मेरे लूप से वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम की बात भी कर ली, दो कॉलम की बात भी कर ली, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी टेबल का सेलेक्ट की यूज़ में लेना पड़े। अगर आपको पूरी टेबल का सेलेक्ट लेना पड़े तो अभी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो अपना वेरिएबल था उस वेरिएबल को यहाँ चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि अब अगर पूरी टेबल का डेटा आएगा जो रो वाइज आएगा और उसको आप कर्सर से फेच करोगे तो बट ऑब्वियस है वो मेरा टेबल टाइप का एक रो टाइप का वेरिएबल होना चाहिए जो बिल्कुल उसी तरीके के वेरिएबल्स के साथ होगा, उसी तरीके के डेटा टाइप्स के साथ होगा जिस तरीके का डेटा टाइप मेरी इस टेबल में हर कॉलम का होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वी एम्प्लॉय करके एक सिंपल इस टेबल का रो टाइप बनाया और उसके अंदर सिंपली सारी की सारी वैल्यूज़ ले ली। देखिए दोस्तों बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मैं इस टेबल का सेलेक्ट चलाता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉलम हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक कॉलम लिया है। आप चाहें तो कितने भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है VEMP डॉट अपने पर्टिकुलर उस कॉलम का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम को यूज़ किया। तो मैंने आपको एम्प्लॉय नेम के साथ ही एग्जाम्पल दिखाया, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कोड यहाँ पर चला दिया दोस्तों, देखते हैं इसका किस तरीके का आउटपुट आता है। ये देखिए दोस्तों सिंपल मैंने क्योंकि एक ही नाम को यहाँ पे यूज़ किया था तो एक नाम को यूज़ करके उसने सारे के सारे नाम मुझे यहाँ सिंपली प्रिंट कर दिए। तो दोस्तों ये मेरा एक तरीका हुआ जहाँ पे मैंने ये देखा कि डिक्लेयर ओपन फेच और क्लोज कीवर्ड के साथ मैं अपने कर्सर को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों इससे भी ज़्यादा एक सिंपलेस्ट तरीका होता है फॉर लूप वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स यही वाला फॉर लूप का सिंटैक्स ही यूज़ करते हैं
क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप दोनों कोड को कंपेयर भी करेंगे, देखिए दोनों कोड आपके सामने ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स कुछ बनाए होंगे, देखिए ये वेरिएबल्स आपने बनाए, जबकि यहाँ पे नीचे कोई वेरिएबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने फिर अपने कर्सर के साथ यहाँ क्वेरी अटैच करी, वो काम आपको यहाँ भी करना है। ये कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ओपन लिखने की ज़रूरत है, ना फेच लिखने की ज़रूरत है, ना आपको क्लोज लिखने की ज़रूरत है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पूरी टेबल को लिखें एस्ट्रिक के साथ, या आपने एक कॉलम को लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर कोई कॉलम यूज़ करना है तो देखिए कैसे करना है, पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। ओपन वाले के अंदर सबसे पहले मैंने कर्सर को डिक्लेयर किया, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, कर्सर का नाम दिया, अपनी क्वेरी एसोसिएट कर दी। फ़र्क नहीं पड़ता आप एक कॉलम दे रहे हो या एस्ट्रिक दे रहे हो, आपका कोड नीचे सेम ही चलेगा। ये छोटा सा एक सिंटैक्स आपको देना पड़ता है। जहाँ पे आप ओपन फेच इतना सारा लिखते थे, वहाँ सिंपल आपको फॉर लिखना है। एक कोई अपने कोई भी अपना करेक्टर, कोई भी जो आप देना चाहें, कोई स्ट्रिंग देना चाहें, एक यहाँ पर जो जिसके अंदर वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी ऑटोमेटिकली, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई लिया, सिंपल इन करके अपने कर्सर का नाम दे दिया। बाकी का सिंटैक्स दोस्तों सेम है, बट ना यहाँ पे फेच करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत है। ये कोड भी दोस्तों मेरा बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे मेरे ऊपर के कोड काम कर रहे थे। ये देखिए मैंने पहले का आउटपुट हटा दिया, आप अपने फॉर लूप का आउटपुट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, जो मैंने चला भी दिया है। ये देखिए दोस्तों सेम टू सेम आया, जबकि आपने स्टार यूज़ किया था। आपको कोई और भी कॉलम अगर लेना है तो आप सिंपली यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हैं। पाइप सेपरेटेड के साथ आपको देना चाहिए, ये दे दिया। और अगर अगला कोई और कॉलम, फॉर एग्जांपल सेल का ही कॉलम मुझे यूज़ करना है, सिंपल आई डॉट के साथ मैं सेल का कॉलम भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए अब मेरी वैल्यूज़ किस तरीके से प्रिंट होंगी ये भी देखते हैं। फॉर का जो सिंटेक्स है दोस्तों वो ओपन फैच वाले सिंटेक्स से काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है। ये देखिए दोस्तों कुछ भी आप अपने तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये मेरे दोनों लूप्स, फॉर लूप और ओपन फेच वाले तरीके से मैंने दोनों के यहाँ पे एग्जांपल कर लिए। आगे की वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पर मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों मैं पूरी आशा करता हूँ कि लैब के अंदर आपने इजीली एक्सप्लिसिट कर्सर्स के दोनों के दोनों सिंटेक्स आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, किस तरीके से ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, तो सारी चीज़ें आपने लैब में बखूबी सीख ली होंगी। तो दोस्तों अगर छोटा सा मेरा कंसेप्ट एक्सप्लिसिट कर्सर का आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में कर्सर्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएल सिक्वल में और स्ट्रांग होना चाहते हैं। और दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस लगातार मेरे को भेजते रहिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। क्या सिंटैक्स हमने अपनी लैब में यूज़ किया था उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। सिंपल जो ब्लॉग यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मैंने जो ब्लिंक भी कर रहा है, उस पर सिंपली जाना है और जा करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है, और वहाँ पर आपको जो भी कोड हमने अपनी लैब में यूज़ किया है वो ईजीली आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अपने भाई के काम को सपोर्ट करने के लिए, इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास छोटे छोटे ही सही बट इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। आपके भाई का एक YouTube का व्लॉग चैनल भी है, कभी टाइम मिले तो दोस्तों उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी कर्सर्स के एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।